हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शनाईपीडिया। मैं शनाई बख्शी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और जैसा मैंने कहा था, मैं लेकर के आ गई हूँ एक और शुभतो रेसिपी। इस बार की जो रेसिपी है वो पिछली रेसिपी से थोड़ी सी इजी है और क्विक भी है। दैट वॉज ऑल्सो वेरी क्विक, बट ये और ज्यादा जल्दी बनेगी। ठीक है, देयर आर मेनी 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 वेराइटीज ऑफ शुभतो, सिर्फ एक पर्टिकुलर नहीं है, वो और भी कई तरीके के होते हैं। जो मैंने उस दिन आपको बताया वो तो था ही, आज जो मैं बताऊंगी वो भी है। इसके अलावा भी और भी है रेसिपीज शुभतो की। हाँ जी, मैं वक्त आने पे आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी, बट आज हम बनाएंगे लाऊ शुभतो। और चलिए, लाऊ शुभतो मतलब क्या? लाऊ मतलब होता है क्या? लौकी। ठीक है, लौकी से बनेदार शुभतो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल ब्लॉग। तो मैंने फिर से यहाँ पे वही सरसों का तेल लिया हुआ है, गरम कर लिया है, और सबसे पहले इसमें मैं जो फ्लोरिया हैं उन्हें फ्राई कर लूंगी। ये देखिए फ्लोरिया हो गई है फ्राई। अब मैं इन्हें ऑयल से पहले रिमूव कर लूंगी। अब उसी तेल में मैं ऐड कर रही हूँ ये रांधुनी और एक तेज पत्ता। ये हमारा ये लाऊ यानी कि लौकी। नाउ द सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छे से ओ ये क्या, इसमें आप बच गए थे, चलिए आ जाइए। दिखाई नहीं मेरे को, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको मैं बस मिक्स कर दूं अच्छे से, और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि हमारी लौकी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं इसको कवर करके मैंने रखा हुआ है। अब देख लेती हूँ कि कितना हुआ। ये ऐसे 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 काफी डन, काफी ये हो गया है। अब इस मोमेंट पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारी फ्लोरिया थी, हमने फ्राई करके रख दी थी, उसे मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये जो उसमें जो पानी लौकी का निकल रहा है ना, वो इसको जो है बॉयल होने में मदद करे, क्योंकि इनमें भी तो पानी जाना जरूरी है ना। ठीक है, तो ये अब फिर से मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ, ताकि हमारी जो लौकी है उसका जो पानी है वो भी थोड़ा सा सूख जाए और हमारी जो फुलौरियाँ हैं वो भी नरम हो जाए। 5 मिनट और हो गए हैं। हाँ जी, अब इसका लौकी का पानी जो है काफी सूख गया है, और ये अपना थोड़ा सा तेल भी रिमूव कर रहा है। अब इस मोमेंट पे हम डाल देंगे हमारा ये जो मसाला मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था वो। हाँ जी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला मैंने बनाया क्योंकि मुझे कुछ और भी बनाना है, ये पर्टिकुलर मसाले से वो भी हो जाएगा मेरा। तो एक बार में मैंने कहा यार चलो एक बार में पीस लूँ, फिर बार बार कौन पीसे। ठीक है, बस ये हुआ। अब इसके साथ हम थोड़ा सा इसको बस 1-2 मिनट पकाएंगे। हाँ जी, 2 मिनट, यस 2 मिनट और मैंने इसको कर लिया है इसके मसाले के साथ फ्राई। जी वही जैसे मैंने आपसे बोला था, सेम रूल ना, बहुत ज्यादा नहीं मसाले के साथ हम फ्राई करते हैं। तो इट्स डन, देखा कितना क्विक बना ये, और दिस इज वे इजियर देन दैट ऑल्सो, है ना। तो इसे भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये आप लास्ट में इसमें डाला मैंने घी, जैसा वहां भी मैंने ऐड किया था, और थोड़ा सा बस घी के साथ इसको मिक्स कर दूंगी। बस एंड नाउ कवर एंड स्विच ऑफ द फ्लेम, और 1 मिनट इसी में छोड़ देंगे ताकि क्या हो उसको मिल जाए थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम, एंड देन यू कैन सर्व एंड हैव योर लाऊ शुभतो। ये तो था आज का मेरा बंगाली लंच मेन्यू ब्लॉग। ठीक है, आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी भी होती है, टेस्टी भी होती है एंड हेल्दी ऑल्सो।
सो डू ट्राई दिस रेसिपी। आई होप आपको ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। इतनी इससे जल्दी तो आई डोंट नो क्या बन सकता है। सो इफ यू लाइक दिस रेसिपी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि अब जो नेक्स्ट व्लॉग में लाऊंगी दैट विल बी अ ऑफ कोर्स रिपब्लिक डे स्पेशल व्लॉग। अब रिपब्लिक डे आ रहा है तो उसके लिए तो कुछ बनेगा स्पेशल। तो बस मैं इतना बता देती हूँ कि आई विल बी मेकिंग सम डिजर्ट, कुछ मीठा हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय।